स्टार्ट करने के बाद में आप सबसे पहले एक काम कीजिए, उसको यहाँ पे अटैच कर लीजिए। यहाँ पे आप अटैच कर लीजिए, ठीक है। अटैच करेंगे, जैसे ही अटैच करेंगे आपसे पासवर्ड के लिए पूछेगा या ट्रस्ट के लिए पूछेगा, ट्रस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ट्रस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप जैसे ही ये फ़ोन देखेंगे, ये पूरा का पूरा फ़ोन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रांसफ़र डाटा। ट्रांसफ़र डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने, एक ओल्ड वन इज़ एंड्रॉयड और ओल्ड वन इज़ एप्पल। अगर आपका एप्पल है तो एप्पल क्लिक करें, जैसे एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक करेंगे एक बार कोड दिखाई दे रहा है हमें, तो इस बार कोड को अपने स्कैन करेंगे हमारे फ़ोन के स्कैनर से। जैसे ये फ़ोन है अब वीवो के अंदर, तो यहाँ पर स्कैनर मिल जाता है, आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा फ़ोन है, वहाँ से स्कैन कीजिएगा। गूगल लेंस है तो गूगल लेंस से आप स्कैन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद यहाँ पे एक लिंक ओपन हो जाएगा और एक एप्लीकेशन का, इसको डाउनलोड कर लें। हाँ जी नमस्ते। डाउनलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इसके ऊपर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिएगा ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगेगा आपको, पर एक बार यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। थोड़ा आराम से देखिए और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अब स्कैन नाउ का एक बार और ऑप्शन आ रहा है, पर ये बारकोड इसको स्कैन नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डाउनलोड के लिए ये लिंक दिया हुआ है, उसके बाद डाउनलोड के बाद आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक करेंगे। आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको स्कैन करेंगे वापस से। अगेन स्कैन करने के बाद देखिए यहाँ पे अपने को दो ऑप्शन मिलते हैं, कनेक्शन सक्सेस, ओके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेस हो चुका है। तो अब एक काम कीजिए, सबसे पहले जो आपका एंड्रॉयड डिवाइस है उसको भी आप दूसरी डाटा केबल से कंप्यूटर के साथ अटैच कर लीजिए। यहाँ पे ये अटैच करना ज़रूरी नहीं है, पर आप नॉर्मली एक बार अटैच कर लेंगे तो ईजी रहेगा, तो इससे थोड़ी सी स्पीड जो है बेटर हो जाएगी फ़ोन की भी और डिवाइस की भी। जैसे ही हो जाए उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो मॉडल है वीवो का जो मॉडल है वो यहाँ पे शो हो गया है। शो होने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कैन ले रहा है फ़ोटो, म्यूज़िक, कॉन्टैक्ट, मैसेजेस, कॉल और एप्लीकेशंस के लिए। तो सिर्फ दो मिनट का समय लगेगा और ये स्कैन हो जाएगा, उसके बाद सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, कितने आपकी फ़ोटोज़ हैं, कितना आपका डिवाइस के अंदर डाटा है। जो ये देखिए दोस्तों आ गया है, ऑटोमेटेड में आ गया। जैसे फ़ोटोज़ हैं 25 GB की फ़ोटोज़ हैं और 55 MB की ये हैं, मैसेजेस एंड कॉल्स। अगर चाहें तो आप कॉल को भी ले सकते हैं, एप्लीकेशंस को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो म्यूज़िक, फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस और कॉल लॉग्स मेन होती है। एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड कर लें तो बेटर है, बाकी एप्लीकेशन भी हम ले लेते हैं। ट्रांसफ़र नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देख सकते हैं आप सीधा सीधा आराम से कि यहाँ पे जो एंड्रॉयड के अंदर ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट डाटा माइग्रेशन, मतलब कि स्पीड देखिए आप, काफ़ी स्पीड से हो रहा है। ये देखिए दोस्तों वीवो टू आईफोन डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है फुल फास्ट बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके अंदर आगे एक और ऑप्शन आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार ये हो जाता है इतने आपकी वीडियो जो है मैं रोक देता हूँ, उसके बाद मैं आगे वीडियो को चालू कर दूँगा। और दोस्तों हमारी जो चैनल है उसको लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हम अगली वीडियो आपको देते रहें।